अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। पोस्ट ऑर्डर सेकेंड ईयर, सिर्फ एक स्टूडेंट ऑनलाइन है। टाइम हो चुका है क्लास का। कौन ऑनलाइन है बेटा? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, मरियम। मरियम बेटा मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मरियम आप ऑनलाइन हैं अगर सुन रही हैं, मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके, सो ग्रुप में भी मैसेज कर दें, क्लास का टाइम हो गया है, ज्वाइन कर लें ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। ओके जी, अब तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास ऑनलाइन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस का हमने यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें आपको सिफिलिस में पढ़ा चुकी हूँ। आज पहले हम गनोरिया पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। गनोरिया, जिस तरह से हमने सिफिलिस के बारे में पढ़ा, इसी तरह से इटियोलॉजिकल फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली इटियोलॉजिकल एजेंट जो है नेसेरिया गनोरिया है। ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकस है, ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है म्यूकस सेक्रेटिंग एपिथेलियल सेल्स को। इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस इस डिजीज़ का देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इन US। नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस अंडर एस्टिमेट्स इंसिडेंस, और इंसिडेंस रिमेन्स हाई इन सम ग्रुप्स डिफाइंड बाय जियोग्राफी, एज, रेस, एथनिसिटी और सेक्सुअल रिस्क बिहेवियर। इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ गोनोकोकल इन्फेक्शन विच आर कॉज बाय रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये जिस तरह से आपको मैंने कल जो है लास्ट उसमें सिफिलिस में भी मैंने डिस्कस किया था, उसी तरह से जो गनोरिया है उसका भी, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सो ऑब्वियसली इसमें भी ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जियोग्राफिकल, एज, रेस, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सेक्सुअली जो रिस्क बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना इस चीज़ की प्रिवेंशन के लिए, इस डिज़ीज़ की बेसिकली, कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जहाँ होती हैं वहाँ इस डिज़ीज़ का स्प्रेड जो है वो कम है। और एक और चीज़ जो इनकाउंटर होने में आ रही है वो जो प्रॉब्लमेटिक भी है हमारे लिए, कि जो गोनोकोकल इन्फेक्शन है उनकी जैसे जैसे प्रोपोर्शन इंक्रीज करता जा रहा है, उसकी वजह से हमारे पास जो है बैक्टीरिया के डिफरेंट रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो है वो, यानी रेजिस्टेंट केसेस जो हैं वो आपके सामने आते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, रिस्क फैक्टर बेटा वही है, मल्टीपल और न्यू सेक्स पार्टनर्स और इनकन्सिस्टेंट कॉन्डम यूज़, यानी सेफ सेक्स नहीं है और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो ऐसे लोगों में जाहिर है ज़्यादा चांसेस हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अर्बन रेजिडेंस इन एरियाज विद डिजीज प्रिवेलेंस और एडोलिसेंट और फैमिलीज पर्टिकुलरली, यानी जो ऐसे लोग एडोलिसेंट या वो फैमिलीज जिनके अंदर जाहिर है इस किस्म की प्रैक्टिसेस हैं बहुत ज़्यादा, उनमें दे आर एट द रिस्क ऑफ दिस डिजीज़। एंड लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग, यूज़ ऑफ ड्रग्स, क्योंकि देखें इन दोनों चीज़ों में जो अफ्रीकन अमेरिकन इनमें जो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब जाहिर इस तरह की डिजीज़ेस।
ओके स्टूडेंट्स, तो यूज़ ऑफ ड्रग्स इसी तरह से, ज़ाहिर है अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिन्होंने, आपको पता है कि सेफ नीडल यूज़ नहीं कर रहा है, बार बार रिपीटेडली जो है एक ही नीडल को इस्तेमाल किया जा रहा है, या इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस हैं इस तरह, चाहे वो जैसे कॉमनली अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैमिलीज हो सकती हैं, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो है वो आपको पता है एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह के जो फैमिलीज़ हैं और ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली दे आर द रिस्क फैक्टर्स के इन लोगों में आपको ये डिजीजेस ज़्यादा मिल सकती हैं। ट्रांसमिशन इसकी बेटा एफिशिएंटली, दिस इज़ ट्रांसमिटेड बाय मेल टू फीमेल वाया सीमन, जाहिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, तो सीमन के थ्रू अगर एक मेल पेशेंट है तो उससे उसके जो फीमेल पार्टनर है उससे हो सकता है। इसके अलावा बेटा वजाइना टू मेल यूरिथ्रा, जिस तरह से मेल टू फीमेल ट्रांसमिशन हो सकती है, इसी तरह से फीमेल अगर इन्फेक्टेड है तो उनसे मेल को ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। रेक्टल इंटरकोर्स एंड पेरीनेटल ट्रांसमिशन, यानी मदर अगर इन्फेक्टेड है तो उससे इन्फेंट को, जिस तरह से आपको सिफिलिस के बारे में बताया था कि इन्फेंट भी जो है इफेक्ट हो सकता है, मोर स्पेसिफिकली उसमें ब्लाइंडनेस का जो एक फैक्टर है वो हमें नज़र आता है, लेकिन उसके अलावा फीटस को जो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं एक रीज़न उनका सिफिलिस भी है। सेम इसी तरह से पेरिनेटल ट्रांसमिशन जो है वो निजेरिया गनोरिया की भी है, गनोरिया एसोसिएटेड विद इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ एंड ससेप्टेबिलिटी टू HIV इन्फेक्शन। सेम मैंने आपको सिफिलिस के बारे में भी बताया था कि जो सिफिलिस है उस वो डिज़ीज़ भी जो है बेसिकली जो इम्यूनिटी है ज़ाहिर बॉडी की वो लो भी हो जाती है, और जो HIV के इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनिटल इन्फेक्शन इन मैन, यूरिथराइटिस, दिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा, एंड एपिडिडमाइटा, दिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडिडमस। सो गनोरिया के साथ साथ जाहिर है ये सारी चीज़ें भी जो मेल के कुछ जेनिटल इन्फेक्शन इनको भी हम साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे। ये भी आपको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं, कि अगर निजेरिया गनोरिया की वजह से कोई फीमेल पार्टनर से मेल अगर इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको इवन आपको मैंने बताया कि HIV होने के चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो बॉडी में डिफरेंट किस्म के जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओवरऑल हम फिर बाद में इसकी मैनेजमेंट देख लेंगे। यूरेथराइटिस, जो मेल यूरेथराइटिस के सिम्टम्स उसके टिपिकली पुरोलेंट और म्यूकोपुरोलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, ऑफन एकम्पनीड बाय डिस्यूरिया, यानी पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। डिस्चार्ज जो मैंने आपको बताया, इट मे बी क्लियर और क्लाउडी, एसिम्टोमेटिक इन अ माइनॉरिटी ऑफ केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि यूरेथराइटिस होता है लेकिन पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। इनक्यूबेशन पीरियड इसका बेटा यूजली 1 to 14 days है फॉर सिम्टोमेटिक डिजीजेज, लेकिन इससे ज़्यादा लॉन्गर भी हो सकता है। बाकी एपिडिडमाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ द एपिडिडमस है, ये जो है एक तो यूनिलेटर टेस्टिकुलर पेन हो सकता है एंड स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट है, बट मोस्ट कॉमन लोकल कॉम्प्लिकेशंस इन मेल्स है, यूजुअली एसोसिएटेड विद ओवर्ट और सब क्लिनिकल यूजराइटिस। यानी अगर एक पेशेंट है जिसे एपिडिडमाइटिस है तो इसके साथ यूजुअली आपको इस तरह से जरूर मिलेगा कि यूरेथराइटिस भी पेशेंट को होगा। जेनिटल इन्फेक्शन जो फीमेल्स में हो सकते हैं, इसी तरह से वो सर्विसाइटिस है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, यूरेथराइटिस है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। सो सर्विसाइटिस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो है, यानी जो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द सर्विसाइटिस नहीं है, वो उसमें एब्डोमिनल वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी जो एक मेंस्ट्रुएशन का फेज़ है, दो मतलब जो एक मेंस्ट्रुएशन का फेज़ है उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो फेज़ आना है साइकिल में, इसके दरमियान में अगर ब्लीडिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यूरिया है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, एंड डिस्पेरुनिया है, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर पेन होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पेरुनिया। एंड जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो पर्टिकुलरली सर्विसाइटिस से रिलेटेड है वो म्यूकोपुरोलेंट और पुरोलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज हो सकता है, इजिली इंड्यूस सर्वाइकल ब्लीडिंग, इवन सर्वाइकल जो है ब्लीडिंग भी ये कॉज कर सकता है। एटलीस्ट 50% ऑफ वुमेन विद क्लिनिकल सर्विसाइटिस हैव नो सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड इसका अनक्लियर है बट सिम्टम्स मे अकर विद इन 10 days ऑफ इन्फेक्शन। देन फीमेल यूरिथराइटिस सिम्टम्स बेटा डिस्यूरिया है, हाउवर मोस्ट वुमेन आर एसिम्टोमेटिक, एंड 70 to 90% ऑफ वुमेन विद सर्वाइकल गोनोकोकल इन्फेक्शन मे हैव यूरिथ्रल इन्फेक्शंस। कॉम्प्लिकेशंस जो वुमेन में हो सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से बेटा, एक तो जो एसेसरी ग्लैंड्स है उनका इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पता है बार्थोलिन ग्लैंड जो बहुत ज़्यादा
जो ऑल्दो छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं, बट दे आर नेसेसरी फॉर द जो सिक्रीशंस बेसिकली निकलती हैं वो लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो पार्थोलिन ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किनी ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज जो कि यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती हैं, मे प्रेजेंट विद लोअर एबडोमिनल पेन, डिस्चार्ज, डिस्पेरोनिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड फीवर. ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि एक तो मैंने आपको बताया कि रेजिडिया गोनोरिया की वजह से जो इटसेल्फ पेशेंट को जो है गोनोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ मेल और फीमेल में ये यूरिथराइटिस, सर्वेसाइटिस, एपिडिडमाइटिस कॉज करता है. और इसके अलावा फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन वुमेन में कर सकता है, पार्थोलिन ग्लैंड के इन्फेक्शन हो सकते हैं और डिफरेंट हमारी जो PIDs हैं यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हैं वो पेशेंट्स को हो सकती है. फिर गोनोकोकल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, जैसे आपको बताया कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन होती है, मदर अगर इन्फेक्टेड है तो उससे इवन फीटस को भी और जो ड्यूरिंग डिलीवरी भी बेबी को, बेबी के लिए जो है वो ऑब्वियसली दैट इज़ हार्मफुल. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पेरीनेटल जो ट्रांसमिशन है बेटा, बेबी को कंजंक्टाइवा का इन्फेक्शन हो सकता है अगर मदर को नेजेरिया गोनोरिया से इन्फेक्टेड है, सो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एनल कैनाल का इन्फेक्शन हो सकता है. चिल्ड्रन जिनकी एज जो है 1 ईयर से ज़्यादा है, दे कंसिडर्ड पॉसिबल एविडेंस ऑफ सेक्शुअल एब्यूज़ अगर, यानी इस तरह एक 1 ईयर ओल्डर जो बच्चे हैं उनमें अगर आपको इस तरह की कोई भी साइन सिम्टम, इस तरह के इन्फेक्शन कुछ नज़र आए तो ऑब्वियसली दैट माइट बी ड्यू टू द सेक्शुअल एब्यूज़ एंड वल्वुलोवेजिनाइटिस नॉर सर्विसाइटिस इन प्री प्यूबिसेंट गर्ल्स. इसके अलावा एनोरेक्टम और फेरिक्स मोर कॉमनली इन्फेक्टेड इन बॉयज़ दैन यूरेथ्रा बिकॉज ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन, कल्चर रिमेन्स द प्रिफर्ड मैथड ऑफ डायग्नोजिस. ये यानी नेजेरिया गोनोरिया जो है बच्चों में भी डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसमें एक तो मैंने आपको पेरीनेटल का बता दिया, वो तो जाहिर है बच्चों में जो है कंजंक्टिवाइटिस और रेस्पिरेटरी और ट्रैक का और एनल केनाल के जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है. इसके अलावा अगर 1 ईयर से ज़्यादा एज का बच्चा है और उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है, दैट माइट बी एविडेंट के कोई गोनोकोकल इन्फेक्शन है, तो रीज़न उसमें ज़रूर सेक्शुअल एब्यूज़ होगा. क्यों? क्योंकि कोई हो सकता है जिस शख्स ने भी उसको सेक्शुअली अब्यूज़ किया है, ही माइट बी द विक्टम, सॉरी, ही माइट बी द पेशेंट ऑफ नेजेरिया गोनोरिया. इसी तरह से जो हमारी प्री प्यूबिसेंट यानी अभी प्यूबर्टी तक नहीं बची या पहुँचती, उनमें अगर आपको वल्वोवेजिनाइटिस जो है वो नज़र आ सकता है, नॉर सर्विसाइटिस, इसमें भी ज़्यादातर फिर रीज़न जो है उसके पीछे ज़रूर डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है कि सेक्सुअल अब्यूज़ उसका रीज़न हो सकता है. बाकी एनोरेक्टम और फेरिंग्स मोर कॉमनली इन्फेक्टेड होते हैं इन बॉयज़ देन यूरिथ्रा. और लीगल इम्प्लीकेशन ज़ाहिर है हर जगह पर अप्लाई होती है, इस वजह से कल्चर को देखते हुए हमें चीज़ों को डायग्नोज करना पड़ता है. डायग्नोस्टिक मेथड बेटा कल्चर टेस्ट है सबसे बेस्ट चीज़ है, और इसके अलावा नॉन कल्चर टेस्ट में एम्प्लीफाइड टेस्ट है, नॉन एम्प्लीफाइड टेस्ट है और ग्राम स्टेनिंग स्मियर है, यानी बेसिकली हम इसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी ऑफ नेजेरिया गोनोरिया, यानी कौन सी वो मेडिकेशंस हैं इसमें क्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस इज वाइडली डिसमिनेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी क्लोरोक्विनोलोन को नेजेरिया गोनोरिया जो है वो रेजिस्टेंट है, कोई असर नहीं होता उसका. अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ आइसोलेट्स आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन या फिर दोनों को. तकरीबन 25% ऑफ केसेस हमारे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन और बोथ इन दोनों चीज़ों को रेजिस्टेंट होता है. 2011 में तकरीबन 0.3% ऑफ आइसोलेट्स शो डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू एजिथ्रोमाइसिन, डाउन फ्रॉम 0.5% इन 2010, बाकी स्पोरैडिक केसेस ऑफ डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू सेफ्थायोन इंसेक्टिसाइड हैव बीन रिपोर्टेड रिसेंटली. ट्रीटमेंट फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स यूरेथ्रा या फिर रेक्टम, यानी नेजेरिया गोनोरिया में चाहे वो सर्विसाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है या फिर रेक्टम का कोई भी इन्फेक्शन है, तो इसके लिए तो मैंने आपको भी प्रीवियसली ये बताया कि वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये तो रेजिस्टेंट है ना, इन्हें मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इन मेडिसिन से रेजिस्टेंट है. तो जो हमें मेडिसिन देनी होती है तो वो बेटा रिकमेंडेड है सेफ्ट्राइजोन 250 mg प्लस एजिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन की डोज देनी पड़ती है. एजिथ्रोमाइसिन है तो 1 ग्राम ओरली वंस या फिर डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज. फिर क्विनोलोन आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि जाहिर है वो उसके लिए अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो चुके हैं इस वजह से.
बेटा मैं तो वही माइक यूज़ कर रही हूँ जो लेक्चर के स्टार्ट से यूज़ कर रही थी। अब अगर वॉइस थोड़ी कम आना शुरू हो गई तो माइट भी कोई प्रॉब्लम लिंक का हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा बेटा ऑल्टरनेटिव में यह है कि अगर सेफ्ट्राइक्जोन अवेलेबल नहीं है तो हम सेफिजाइन 400 mg ओरली एक मरतबा देते हैं, प्लस एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन उसी तरह से। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ दी जाती है, एजिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, फिर टेस्ट ऑफ क्योर इन 1 वीक, प्लस ये है कि एक हफ्ते बाद दोबारा से हम कल्चर सेंसिटिविटी जो है वो करवा लेते हैं। ऑल्टरनेटिव टू ये है, अगर आपका पेशेंट सेफलोस्पोरिन यानी सेफ्ट्राइक्जोन को एलर्जिक भी हो सकता है, अगर वो एलर्जिक है बेटा तो फिर हम एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम ओरली वंस देते हैं, प्लस हम जो है कल्चर टेस्ट करवाते हैं 1 वीक में। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द फेरिंग्स है, उसमें बेटा सेफ्ट्राइक्जोन है 250 mg IM वंस, प्लस एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन में से कोई एक चीज़ दी जाती है, और स्पेशल कंसिड्रेशन प्रेगनेंसी के लिए बेटा ट्रीट विद रिकमेंडेड सेफलोस्पोरिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। अगर सेफलोस्पोरिन नहीं टॉलरेट कर पा रहा तो हम एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम ओरली के साथ ट्रीट करते हैं। आ टेस्ट ऑफ क्योर शुड बी परफॉर्म 1 वीक आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी उसमें फिर हम यही देखते हैं, टेस्ट ऑफ क्योर वही है कि फिर हम कल्चर सेंसिटिविटी करवा के चेक कर लेते हैं कि अब बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है उनकी क्या क्वान्टिटी है, वेदर इससे कोई क्योर हुआ है मेडिसिन से या नहीं हुआ, यही टेस्ट ऑफ क्योर है। प्रेगनेंट वुमेन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद क्विनोलोन्स और टेट्रासाइक्लिन, स्पेक्टिनोमाइसिन इज नॉट कमर्शियली अवेलेबल, यानी फीमेल्स के लिए जो सेफलोस्पोरिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो ही बेस्ट होती है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। पेनिसिलिन एलर्जिक है तो पहले आपको बता चुकी हूँ, एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम ओरली देते हैं, प्लस टेस्ट ऑफ क्योर 1 वीक में करवा लिया जाता है। डिसेंसिटाइजेशन इन इम्प्रैक्टिकल इन मोस्ट सेटिंग। फॉलो अप क्या देखना है हमने कि अ टेस्ट ऑफ क्योर इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ़ रिकमेंडेड रिजीम इज़ एडमिनिस्टर्ड, अ टेस्ट ऑफ क्योर इज़ रिकमेंडेड इफ़ एन ऑल्टरनेटिव रिजीम इज़ एडमिनिस्टर्ड, इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट परफॉर्म कल्चर ऑफ नज़ेरिया गनोरिया, यानी टेस्ट ऑफ क्योर रिकमेंड नहीं करते हैं अगर आपने जो एक फर्स्ट जो मैंने आपको फर्स्ट चॉइस बताई मेडिसिन की अगर वो आपने दी है, लेकिन अगर आप मेडिसिन चेंज करते हैं कोई ऑल्टरनेट आपको यूज़ करना पड़ता है तो उसमें हम टेस्ट ऑफ क्योर करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और वही है कि नज़ेरिया अगर से सिम्टम फिर भी परजिस्ट कर रहे हैं पेशेंट को तो फिर हम कल्चर परफॉर्म करवाते हैं नज़ेरिया गनोरिया का, ये देखने के लिए कि वेदर मेडिसिन उस पर इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। एनी गोनोकोकाई आइसोलेटेड शुड बी टेस्टेड फॉर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी एट साइट ऑफ एक्सपोजर, रिपीट टेस्टिंग इन 3 मंथ। देखें, यही कल्चर सेंसिटिविटी होती है कि गोनोकोकस जो भी आपको उसमें से आप आइसोलेट करेंगे ब्लड में से, उसकी आप एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी चेक करें, फिर हम डिफरेंट जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके साथ इसका रिएक्शन चेक करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक को ये स्ट्रेन हमारा रेजिस्टेंट है और कौन सा सेंसिटिव है, और इस टेस्ट को हम तकरीबन 3 मंथ्स में दोबारा रिपीट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग अगर प्रेगनेंसी में देखें, अ टेस्ट फॉर नज़ेरिया गनोरिया शुड बी परफॉर्म एट द फर्स्ट पेरीनेटल विजिट फॉर वुमेन एट रिस्क और दोज लिविंग इन एन एरिया इन विच द प्रेवलेंस ऑफ नज़ेरिया गनोरिया इज हाई, और फिर रिपीट टेस्ट इन द थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर दोज एट कंटिन्यूड रिस्क। जाहिर है ऐसे एरियाज है जहाँ से विमेन आ रही हैं, आपको पता है वो रिस्क पर हैं, जहाँ जैसे इस तरह की चीज़ें हो सकती है ना बेटा, कि जहाँ हमें पता होता है कल्चर के बारे में, हम जिस सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं हमें वहाँ मालूम होता है इन सारी चीज़ों के बारे में कि कौन से लोग हैं जो एट रिस्क है कौन से नहीं है, तो जो रिस्क पे होते हैं उनके लिए ही बेटा ज़रूरत होती है कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका जो है इसका कल्चर करवा लें, टेस्ट करवा लें, और अगर ज़्यादा हाई रिस्क पे लोग हैं तो उनको हम थर्ड ट्राइमेस्टर में भी फिर रिपीट करवा लेते हैं। पार्टनर मैनेजमेंट क्या है, इवेलुएट एंड ट्रीट ऑल सेक्स पार्टनर्स फॉर नज़ेरिया गनोरिया एंड क्लोस्ट्रीडियम ट्राकोमोनाटिस इन्फेक्शंस इफ़ कॉन्टैक्ट वॉज विद इन 60 डेज ऑफ सिम्टम और डायग्नोसिस, यानी जब आपको सिम्टम आपके एक पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हुए या फिर उसको डायग्नोज हो गया उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर अगर उसने ऐसा इन 60 यानी उससे पहले जो है कॉन्टैक्ट रहा है 60 डेज के अंदर, यानी एक तो ये चीज़ है ना बेटा कि जब आपको सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हुए आप डायग्नोज हो गए तब तो जाहिर है अगर आप केयर करना चाहते हैं आप अपनी केयर करेंगे तो आप जो है उस जाहिर है आपका जो सेकंड पार्टनर है उसके साथ फिर आप सेफ सेक्स करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले के जो 60 डेज हैं अगर ऐसा कुछ है कि डायग्नोज हुआ है तो हम पिछले 60 डेज में हम देख लेते हैं कि जिस पार्टनर के साथ भी आपका कोई सेक्सुअल रिलेशन रहा है तो हम उसको भी ज़रूर इवेलुएट कर लेते हैं, सेक्स पार्टनर को भी। इफ़ अ पेशेंट्स लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है इट वॉज ग्रेटर देन 60 डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम और डायग्नोसिस द पेशेंट्स मोस्ट रिसेंट सेक्स पार्टनर शुड बी ट्रीटेड। वही मैंने आपको बताया कि अगर जब ये सारे सिम्टम आए हैं या फिर डायग्नोसिस आपकी कन्फर्म हुई है तो 60 डेज के अंदर अंदर अगर ऐसा कुछ है, नहीं लास्ट जो इंटरकोर्स था वो 60 डेज से ज़्यादा
ज़्यादा था तो फिर तो हमें इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अराउंड 60 डेज़ है तो फिर हम जो उसका मोस्ट रिसेंट सेक्स पार्टनर है उसे भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है एंड अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स अनटिल थेरेपी इज़ कम्प्लीटेड एंड बोथ पार्टनर्स नो लॉन्गर हैव सिम्टम्स। पेशेंट की काउंसलिंग और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है नेचर ऑफ द डिज़ीज़ के बारे में। सबसे पहले यूजुअली सिम्टोमेटिक होती है ये डिज़ीज़ मेल्स में और एसिम्टोमेटिक हो सकती है फीमेल्स में, ठीक है। यूजुअली मेल्स में जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, और अगर कोई अनट्रीटेड इन्फेक्शंस हैं इनको यानी हम इसी तरह से छोड़ दें अगर, तो पेशेंट को ऐसा नहीं है कि, ज़ाहिर है लोग आपको पता है शर्माते हैं इस तरह की डिजीज़ के बारे में बात करते हुए शर्माते हैं, तो इसलिए उनको डिजीज़ की नेचर के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इसी तरह से छोड़ दें, क्योंकि अगर इन इन्फेक्शन को आप अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो आपकी फीमेल्स को PIDs हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है वुमेन में, और मेल्स में एपिडर्माइटिस हो सकता है। ट्रांसमिशन इशूज़ भी ज़रूर उनको एजुकेट करें कि एफिशेंटली ट्रांसमिटेड यानी ये किस किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है, और उसके लिए सेफ सेक्स के बारे में आप उनको एजुकेट करें। बाकी रिस्क रिडक्शन के लिए यही है कि आप उनको बताएं कि जी ये रिस्क हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में आप उन्हें एजुकेट करें कि जी आप प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज़ करें, इस तरह से आप इस डिज़ीज़ के रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलें, कोई क्वेश्चन है गनोरिया से रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें, मैं मीनवाइल नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, वी विल डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हम क्लासिफाई करेंगे हेल्थ केयर एजेंसीज को बाय द लेंथ ऑफ स्टे, टाइप ऑफ सर्विसेज एंड टाइप ऑफ ऑनरशिप। वी विल डिफाइन हॉस्पिटल एंड द फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल्स। सो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी कंप्राइजिंग मल्टीपल पीपल सच एज एन इंस्टीट्यूशन और एन एसोसिएशन दैट हैज अ कलेक्टिव goal and is linked to an external environment. The word is derived from the Greek word organo, which means organ. Okay, organization आसान लफ्जों में definition कि ये basically एक entity है जिसमें मतलब कुछ characteristics हैं जो उसको fulfill करें तो organization बनाती हैं, कि उसमें मतलब multiple लोग होते हैं, एक institution या association है जिसका एक collective goal होता है, यानी ऐसा नहीं है कि multiple लोग हैं और multiple goal है, कोई इस direction में काम कर रहा है कोई उस direction में, नहीं, सब एक ही goal को achieve करने के लिए एक ही direction में काम करते हैं और वो सब के सब एक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल में मल्टीपल लोग हैं, एक ही गोल है ना सबका कि हमने पेशेंट को बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है, उसी गोल के लिए सब काम कर रहे हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले तमाम लोग, उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें यानी डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं और जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है उसके साथ उन सबका लिंक होता है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। हेल्थ केयर एजेंसी इज़ कंसीडर्ड एज अ सेटिंग फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड एजुकेशनल सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये बड़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं कि क्यूरेटिव क्या है, प्रिवेंटिव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हमने पढ़ा दी हैं। सो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हेल्थ केयर की एजेंसीज हैं, सेटिंग्स हैं जिनका काम क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को। अब उसमें देखें, हेल्थ केयर सर्विसेज हर किस्म की हो सकती हैं, सोसाइटी में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका काम ही है, उसमें क्यूरेटिव सर्विसेज भी आ जाती हैं, प्रिवेंटिव सर्विसेज भी आ जाती हैं और एजुकेशनल सर्विसेज भी आ जाती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस हेल्थ केयर एजेंसीज एंड देयर सर्विसेज कुड हेल्प द नर्स मैनेजर टू परफॉर्म एंड अज्यूम हिज और हर रोल इफेक्टिवली वेदर इन क्लिनिक, होम्स, एम्बुलेटरी केयर सेटिंग एंड हॉस्पिटल्स। अब हेल्थ केयर नर्सिंग में या हम CHN पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या जरूरत है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने की। तो बेटा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग होना क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसलिए
यही है कि अगर हमें डिफरेंट किस्म की हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज होगा तो ही हम नर्सेज बीइंग अ मैनेजर, चाहे मैनेजर लेवल पे ना भी हो, हम नर्सेज अपनी ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकेंगे कि जी हमारा किस जगह पे क्या रोल बनता है। यानी हम क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं या फिर होम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, या एम्बुलेटरी केयर सेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइप ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन है हेल्थ केयर एजेंसीज की। एजेंसीज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ द थ्री ग्रुप्स: क्लासिफिकेशन बाय लेंथ ऑफ स्टे, क्लासिफिकेशन बाय द टाइप ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड, एंड क्लासिफिकेशन बाय द टाइप ऑफ ऑनरशिप। अब देखें बेटे, लेंथ ऑफ स्टे में है शॉर्ट स्टे है, ट्रेडिशनल एक्यूट केयर है, या फिर लॉन्ग टर्म केयर है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन है बाय द टाइप ऑफ सर्विसेज, उसमें बेटे जनरल या स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी वर्सेज टर्शरी केयर प्रोवाइड करते हैं, यानी कम्युनिटी में ज़्यादा प्राइमरी आ जाता है ना, कि प्राइमरी या फिर टर्शरी केयर लेवल की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इन होम केयर प्रोवाइड करते हैं, या फिर एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है बाय द टाइप ऑफ ऑनरशिप, में जैसे गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट NGOs हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंट में फिर कुछ फॉर प्रॉफिट होती हैं और कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती हैं, ठीक है। सो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा जो है एक एक करके इनको थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ स्टे, इसमें शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ वाले पहले ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, जिसमें बेटा विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेशेंट और क्लाइंट हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट कंडीशंस दैट रिक्वायर लेस देन 24 आवर्स ऑफ केयर। शॉर्ट स्टे में टेक प्लेस इन सेपरेट यूनिट्स इन अ हॉस्पिटल और इन शॉर्ट स्टे सेंटर। जो लेंथ ऑफ स्टे के लिहाज से शॉर्ट स्टे वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं, उन पेशेंट्स को जिन्हें एक्यूट केयर की ज़रूरत है बट लेस दैन 24 आवर्स। उसके लिए देखें शॉर्ट स्टे सेंटर्स भी हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही सेपरेट छोटे छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे ERs होते हैं, वहाँ पे शॉर्ट स्टे के लिए पेशेंट को हम केयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल एक्यूट केयर है, इट टेक प्लेस इन द हॉस्पिटल, इट इंक्लूड पेशेंट स्टेइंग मोर देन 24 आवर्स बट फ्यूअर देन 30 डेज। यानी अगर जैसे ER से आप पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, वो बीमार हो गया है, एडमिट कर देते हैं वहाँ, तो मोर देन 24 आवर्स बट लेसर देन द 30 डेज जो स्टे होगा, दैट वुड बी एक्यूट केयर स्टे या ट्रेडिशनल एक्यूट केयर और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लॉन्ग टर्म केयर आती है बेटे, विच इंक्लूड दोज एजेंसीज जो कि ऑफर करती हैं सर्विसेज टू द पेशेंट विद मेजर रिहेबिलिटेशन नीड्स, कोई क्रॉनिक डिजीजेज के लिए, या फिर उनके कोई फंक्शनल लॉसेज हो चुके हैं उसके लिए, या फिर मेंटल इलनेसेस के लिए। द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एक्सटेंड फ्रॉम सेवन मंथ्स टू ईयर्स। आई थिंक ये बड़ी अंडरस्टूड सी बातें हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन बाय टाइप ऑफ सर्विसेज, जिसमें बेटे जनरल हॉस्पिटल आते हैं जो कि आपको मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स, इमरजेंसी और डायग्नोस्टिक एज वेल एज लेबॉरेटरी सर्विसेज तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये आपको ऑफर करता है, नाम से समझ आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केयर स्पेशलिटी में आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो गए, वुमेंस हॉस्पिटल हो गए, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हो गए। स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हैं दे टेंड टू बी लेस कॉमन देन द जनरल हॉस्पिटल। उसके बाद थर्ड आ जाता है बेटे कम्युनिटी हॉस्पिटल, विच प्रोवाइड दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इन द जनरल हॉस्पिटल, बट ये भी जनरल हॉस्पिटल की ही तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ये एक किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं और स्पेसिफिक कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर टर्शरी हॉस्पिटल है विच आर सर्विंग एज रेफरल सेंटर फॉर क्लाइंट्स विद कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल प्रॉब्लम्स, दे हैव द फैसिलिटीज फॉर स्पेशलाइज टाइप ऑफ केयर सच एज द बर्न सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर एज वेल एज रिसोर्सेज फॉर जनरल केयर। देखिए नाम से समझ आ रहा है टर्शरी हॉस्पिटल है, ये वो हॉस्पिटल होते हैं बेटा जो रेफरल के तौर पे, रेफरल सेंटर्स के तौर पे जो है सर्व करते हैं अपने पेशेंट्स को, ऐसे केसेस को जो कि यूजुअल प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल अनयूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें टर्शरी लेवल की केयर चाहिए होती है, स्पेशलाइज केयर चाहिए होती है, एज वेल एज वो जनरल केयर भी प्रोवाइड करते हैं। दे सर्व अ वाइड जियोग्राफिक एरिया इन एडिशन टू देयर ओन कम्युनिटी, यूजुअली एसोसिएटेड विद अ यूनिवर्सिटी और अ पार्ट ऑफ अ लार्जर मेडिकल सेंटर। अच्छा, स्पेशलिटी का बता दिया आपको, जनरल केयर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ उस अपनी कम्युनिटी को नहीं बल्कि एक लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को सर्व करते हैं, और यूजुअली दे आर द टीचिंग हॉस्पिटल्स आल्सो। उसके बाद सब एक्यूट केयर है या ट्रांजिशनल केयर जिसे हम कहते हैं, इट इज़ अ ग्रोइंग टाइप ऑफ सर्विसेज दैट मे बी ऑफर्ड इन अ स्पेशल यूनिट ऑफ अ हॉस्पिटल और मे बी प्रोवाइडेड इन लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स। द यूनिट मेडिकल सर्विसेज प्लस डिस्चार्ज इलेक्टेड हॉस्पिटल, द यूनिट रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज, ये सब एक्यूट केयर है। इसमें बेसिकली ये ग्रोइंग टाइप की नई एक टाइप है जो इस किस्म की सर्विसेज इसमें ग्रो कर रही हैं। ये क्या करती हैं, स्पेशल यूनिट किसी भी एक, यानी एक जनरल हॉस्पिटल है ना,
उसका कोई एक स्पेशल यूनिट जो है वो लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है जिसमें जनरल एक हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन उसका उसके अंदर अगर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, तो वो ऑल्दो एक जनरल हॉस्पिटल की जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा शायद एक्यूट स्टे होता हो, लॉन्ग स्टे ना होता हो, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर यूनिट है रिहेबिलिटेटिव यूनिट, वो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़। बेटा माइक बिल्कुल मेरे पास है फातिमा। अच्छा, इसके बाद इन होम सर्विसेज आ जाती हैं विच आर प्रोवाइडेड इन द कम्युनिटी हेल्थ केयर एजेंसीज। नाम से समझ आ रहा है इन होम सर्विसेज हैं बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग नर्सेज, फिजिस्ट, थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर एंड होम हेल्थ केयर एड। दिस केयर मे बी शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म। जो इन होम सर्विसेज हैं ये बेटा कम्युनिटी में जाकर, यानी ये लोगों को उनके घरों में जाके, कम्युनिटी में जाके वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब लोग शामिल होते हैं, नर्सेज हैं, फिजिकल थेरापिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और होम हेल्थ केयर प्रोवाइड। देखिए इसमें दोनों किस्म की चीज़ें आ जाएंगी कि कम्युनिटी में भी जो एक तो हमने कम्युनिटी पढ़ी वो तो कम्युनिटी को सर्व करने वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, ये खुद कम्युनिटी में जाके वहाँ के लोगों को सर्व करते हैं। इसमें फिर शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म है अकॉर्डिंग टू द स्टे। शॉर्ट टर्म बेटा टीचिंग एंड मॉनिटरिंग आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी पेशेंट आपको हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था उसके बाद जाहिर है अगर उन्हें कंटिन्यू उनकी कोई मॉनिटरिंग की ज़रूरत है या टीचिंग की ज़रूरत है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट टर्म में ये होता है कि टू असिस्ट एन इंडिविजुअल अंटिल सेल्फ केयर इज पॉसिबल। इंटरमीडिएट टर्म वो आ जाती है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो आपने सिर्फ उन्हें मॉनिटर करना है या टीच कर देना है और फिर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। इंटरमीडिएट टर्म में ये होता है कि आप उनको सेल्फ केयर की उनको ज़रूरत है कि वो अभी खुद को अपनी जो है सेल्फ केयर नहीं कर सकते वो इंडिविजुअल, तो आप उनको असिस्ट करवाते हैं। दैट वुड कम अंडर इंटरमीडिएट टर्म। लॉन्ग टर्म में फॉर दोज विद ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम, वो लोग जिनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स है कम्युनिटीज़ के अंदर, लेकिन उनके घर जाकर अगर आप उनको इस तरह से रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। उसके बाद एम्बुलेटरी केयर है विच रिफर्स टू अ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन हु आर नॉट हॉस्पिटलाइज्ड। जो इस तरह के एम्बुलेटरी, आपको पता है वर्ड एम्बुलेशन का वर्ड ही मोबाइल से रिलेटेड है, सो ये एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज जो है वो ऐसे लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो कि हॉस्पिटलाइज नहीं होते। इसमें कौन कौन से सेटिंग्स आ जाती हैं बेटे, आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स हो सकते हैं, माइनर इमरजेंसी क्लिनिक्स हो सकते हैं, ठीक है, आउट पेशेंट डायलिसिस यूनिट हो सकते हैं, आउट पेशेंट बर्थिंग सेंटर्स हो सकते हैं, यानी जो प्रॉपरली आपके कोई बड़े हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं होते, इटसेल्फ वो जो है आउट पेशेंट सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर अगर ओनरशिप के लिहाज से हम क्लासिफाई करें हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें बेटा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर ओन्ड, एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट ही उनकी ओनर होती है, मालिक होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सारा प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल गवर्नमेंट के लोग ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं और उस हॉस्पिटल को कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है। प्रोवाइड फ्री केयर फॉर द पेशेंट्स एंड मे ऑफर प्राइवेट अकोमोडेशन फॉर फ्री पेइंग पेशेंट्स। इसके बाद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर ऑन बाय द, जाहिर इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें कौन लोग होते हैं या किन किन मिनिस्ट्री के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ जो वहाँ लोगों को पढ़ाई जाती है, मिलिट्री पर्सोनल होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि गवर्नमेंट हैं। फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर प्रॉफिट एजेंसीज भी हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से हो गए, जो कि प्रॉफिट यानी एक होते हैं ना नॉट फॉर प्रॉफिट भी होती हैं, तो जो प्रॉफिट वाली एजेंसीज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे हो गए, वो ओन्ड ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल, किसी एक शख्स, कोई एक शख्स भी उसका ऑनर हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी जो उसको ओन कर रही होती है। इसके अलावा कुछ और होती हैं जो कि बेटा एनजीओज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें वॉलंटियरली लोग काम करते हैं। दिस इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस सच एज कोई रिलीजियस बॉडीज हो सकती हैं या फिर कम्युनिटी बोर्ड्स हो सकते हैं। ओरिजिनल कैपिटल कॉस्ट आर ऑब्टेन इन अ वेराइटी ऑफ वेज थ्रू डोनेशन। अब उसको चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है बेसिकली वो मल्टीपल तरीक़ों से लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वो डोनेशन ही होती हैं जिनके थ्रू हम उसको चला रहे होते हैं। हॉस्पिटल इन द पास्ट द हॉस्पिटल हैज़ बीन अ प्लेस फॉर केयर ऑफ द सिक, टूडे द हॉस्पिटल हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ टेक्निकल सर्विस फॉर द सिक एंड वेल इन पेशेंट्स एज वेल एज आउट पेशेंट्स विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अचीविंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ।
ठीक है जी, ये इस चीज़ से आप एग्री करेंगे। एक ज़माना था कि जब हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ सिक शख्स की केयर करने के लिए एक जगह हुआ करती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है कि सिक एज वेल एज जो लोग वहाँ वेल भी हैं उनके लिए भी ये एक टेक्निकल सेंटर है। इन पेशेंट एज वेल एज आउट पेशेंट दोनों के लिए वो जगह होती है। और ग्रेटर एम्फेसिस हमारा यही है आजकल कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं, वेदर वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं या फिर हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें हाई स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करें। डेफिनेशन हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल जो है बेसिकली एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है बेटा, विद एन ऑर्गेनाइज मेडिकल एंड प्रोफेशनल स्टाफ एंड विद परमानेंट फैसिलिटीज दैट इंक्लूड इन पेशेंट बेड्स, प्रोवाइड मेडिकल, नर्सिंग एंड अदर हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज टू द पेशेंट्स। फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, प्रिवेंटिव फंक्शन है, क्यूरेटिव फंक्शन है, आपको पता है डिजीजेज से प्रिवेंट करना, डिजीजेज को क्योर करना, ट्रेनिंग फंक्शन है, मतलब के जो नर्सेज और डॉक्टर्स बन रहे हैं वो जाहिर है वो उनकी ट्रेनिंग हॉस्पिटल में ही होती है। और रिसर्च फंक्शन, ये जो हम डिफरेंट नई नई मेडिसिन ला रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेज ला रहे हैं, डिजीज से रिलेटेड रिसर्चेज हो रही हैं, ये सारा रिसर्च फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। प्रिवेंटिव फंक्शन क्या है, इट इज़ एन इमरजेंसी सेकेंडरी फंक्शन है फॉर द हॉस्पिटल एंड कंसर्न विद हेल्थ प्रोमोशन। प्रिवेंशन का मकसद ही यही है ना, हम डिजीजेज से लोगों को प्रिवेंट करेंगे तो अल्टीमेटली हेल्थ प्रोमोट होगी। इट इज़ गियर्ड टूवर्ड प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव सर्विसेज थ्रू अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इट टेक्स एन एक्टिव रोल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। क्यूरेटिव फंक्शन देख लें तो इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल एंड कंसर्न विद प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। इट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ केयर गिवन टू द पेशेंट्स बाई द हेल्थ टीम मेम्बर्स सच एज फिजिशियन, नर्सेज, डायटिशियन एटसेट्रा, ऑल्सो इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। फिर ट्रेनिंग फंक्शन है, इट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन एंड कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल कोर्सेज फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सनल हु प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज सच एज फिजिशियन, नर्सेज, डेंटिस्ट, यानी हम उन लोगों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह रिसर्च फंक्शन है, इट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन एंड कंसर्न विद कंडक्टिंग द हेल्थ रिलेटेड रिसर्चेज दैट फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ एंड और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस। कोई क्वेश्चन है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और आपको मैंने गनोरिया पढ़ाया, इन दोनों में से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और मुझे अटेंडेंस मार्क करवा दें तमाम स्टूडेंट्स। सिर्फ 12 स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई है, दो तीन स्टूडेंट्स स्टिल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई, और जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें बेटा। दो तीन स्टूडेंट अभी भी मिसिंग हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई।
ओके, स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई है, अब अजान का भी टाइम हो गया है, तो अजान सुन लें और फिर आप लोग नमाज़ पढ़ लें, फिर नेक्स्ट क्लास है आपकी इंशाल्लाह। हम किसी भी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।